नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। ग्राम पंचायत बनवर में बड़ी पानी की टंकी होने के बावजूद 6000 की आबादी 3 महीने से पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन में मजबूरी में घरों से बाहर निकलकर खेतों पर लगे ट्यूबवेल और 1 किलोमीटर दूर लगे हैंडपंपों से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। कई बार ग्राम पंचायत को अवगत भी कराया है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चिनोर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। आपका सरपंच साहब, क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। तो आपके गांव के लोग कह रहे हैं कि पानी से परेशान है 3 महीने से, जबकि पानी की टंकी बनी है, फिर इनको परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? भाई, इसलिए करना पड़ रहा है कि ये रोड बनी थी, उसमें जो लाइन है थी पानी टंकी वाली, वो नाले के चक्कर में लाइन टूट गई। तो इसके बारे में हमने मतलब CO साहब को भी दे दिया, PHU में लिख कर दे दिया, अभी तक उन्हें एस्टिमेट बना कर नहीं दिया, ना कोई कार्रवाई करी। तो इस गांव की कितनी आबादी होगी जो प्रभावित है पानी से? इसमें मतलब गांव की आबादी तो 6000 है, इसमें कम से कम मतलब 2000 के करीब मतलब प्रभावित होगी। आपका? धर्मेंद्र कुशवाहा। कहाँ के? बनवार के। क्या समस्या आपकी? पानी की समस्या है। टंकी बनी है फिर भी? अरे फिर भी रोड का काम चलो, नाले को तारना से 3.5 महीने आ गए, लाल फूट रही है तारना से, यहाँ बूंद पानी नहीं आ। कौन कौन सी बस्ती में पानी नहीं पहुँच रहा? पूरी बस्ती में, गाँव की में। पूरी बस्ती में कितने निवास करते हैं यहाँ पे? कम से कम नहीं जब 5000 आदमी निवास कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान में पानी कहाँ से भर रहे हैं? से बाहर से ला रहे हैं, गांव के बाहर से टैंकर द्वारा से ला रहे हैं।